हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BCE CITI CAT 2020 और राउंड टू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट जो है अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, जब भी डिक्लेयर होगा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या आपको जानने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप खुद से जो है इसका रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं स्टेप बताऊंगा। और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा। अनटिल 14 फरवरी से पहले पहले आप जो है अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ टेक्निकल ग्लीचेस भी आए तो आपको जो टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आई थिंक आज तक में आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो 14 से पहले पहले आ जाएगा या डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो मान ली के चलिए कभी भी डेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होते हैं एक्सटेंड नहीं होता है, तो आपको मैं स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है BCECEboard.vihar.gov.in। उसके बाद एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक में आपको क्लिक करना पड़ेगा। BCE CITI CAT 2021 सेक्शंस मिलेगा एक, वहीं पे जाके उसके बाद आपको जो है उसमें अपना सेकंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जब क्लिक कीजिएगा तो एक PDF फॉर्मेट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसमें अपना नाम के साथ आप उसको सर्च कीजिएगा तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था सिंपल सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा और किस टाइप में वीडियो चाहते हैं बताइएगा। और इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, उस टाइम वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।